प्रणायाम सॉरी सॉरी प्राणायाम नहीं प्रणाम मित्रों प्रणाम। वो क्या बात है ना कि बाबा रामदेव की जब कहानी होती है तो कभी कभी प्रणाम भी प्राणायाम बन जाता है। जी हाँ, आज फेक बोले कौवा काटे के एपिसोड नंबर 90 में हम बात कर रहे हैं गुरु ऑफ योगा एंड बिजनेस टाइकून द वन एंड ओनली बाबा रामदेव की। बात दरअसल ये है कि हमें मिला व्हाट्सएप पर एक बहुत ही क्यूरियस सा मैसेज। मैसेज में एक फोटो जिसमें बाबा रामदेव बहुत कमजोर से दिख रहे हैं, मास्क में ढके हुए कुछ लोग उन्हें ग्लास से शायद कुछ पानी या मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में इस व्हाट्सएप मैसेज पर लिखा गया ये, करो योग रहो निरोग, योगा गुरु रामदेव के घुटनों का जर्मनी में सफल ऑपरेशन। ये क्या लिखा है? अरे बाबा रे, खुद तो सबको योग सिखाते फिरते हैं, कहते हैं कि इसी से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, और अब देखो खुद ही ऑपरेशन करवा रहे हैं। आए और तो और स्वदेशी के नाम पर चीजें बेचते हैं, माल बेचते हैं इंडिया में, ऑपरेशन करा रहे हैं जर्मनी में, बिलायत में। अरे इनको तो एक्सपोज करना बनता है, चलो चलो चलो। कुछ ऐसे ही सोच के लोगों ने दबा दब फॉरवर्ड बटन दबाया और ये खबर फेसबुक ट्विटर हर जगह हो गई वायरल। अरे भाई, भगवान ने आपको 1400 ग्राम जो दिमाग दिया है, 1400 ग्राम दिमाग दिया है, उसका कभी इस्तेमाल कर लिया करो। और मोबाइल फोन कंपनी ने आपको अनलिमिटेड 4G भी दे दिया है, थोड़ा डेटा का इस्तेमाल कर लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो। आपने नहीं किया, हमारे कौए को करना पड़ा। कौए ने रिवर्स इमेज सर्च किया तो उन्हें मिला 13 जून 2011 को बिजनेस लाइन में छपी एक रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 जून को 2011 में बाबा रामदेव एक मजबूत एंटी करप्शन लॉ की मांग करते हुए अनशन पर बैठे थे। 9 दिन बाद श्री श्री रविशंकर और मोरारी बापू ने उनका अनशन तोड़वाया था। जो फोटो अभी वायरल हो रही है, हकीकत में वो तब की है और इसका किसी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि चलिए मारा फोटो गलत है, लेकिन हो सकता है ऑपरेशन सच्ची में हुई हो। इसका जवाब भी हमने ढूंढ निकाला। हमारे कौए ने एक्चुअली क्या किया, ट्विटर पे बाबा रामदेव के टाइमलाइन को बहुत गौर से देखा, स्कैन किया। यहां बाबा रामदेव के खुद के अपने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हुए थे। किसी भी वीडियो में बाबा कमजोर नहीं दिख रहे थे और ना ही उनके उठने बैठने में कोई परेशानी नजर आई हमारे कौए को, जैसा कि आम तौर पर नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में अक्सर देखा जाता है कि उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब है हिंदी में कि यह खबर है 100% फेक। तो फेक न्यूज वालों थोड़ा संभल जाओ यार, हमारे कौए की नजर में अगर आ गए तो शीर्षासन करने पर मजबूर कर देगा, समझे।